दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। रात से सुबह तक लगातार इंदौर में बारिश हो रही थी। गरीब बस्तियों में पानी भराव देख इंदौर जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष रेहान शेख ने फौरन एक आपात बैठक बुलाई। उसमें कमेटी के साथ प्रमुख दरगाह सदर भी रेहान शेख की अध्यक्षता में एक जाजम पर आए। सामूहिक रूप से इस निर्णय लिया गया कि जब तक बारिश बंद नहीं होती, जब तक पका हुआ खाना ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए, साथ ही बच्चों के लिए अमूल के दूध की थैली और बच्चों के खाने की चीजें भी दी जाए। जब पानी बंद हो जाएगा तो कमेटी कच्चे खाने के सामान की किट भी बांटने के लिए तैयार कर ली जाए। इस बैठक में लिए हुए निर्णय को फौरन अमली जामा पहनाया गया और हाजी नौशाद की सरपरस्ती में इंदौर जिला अध्यक्ष रेहान शेख की पूरी टीम और नहर शाह वाली दरगाह के सदर डॉक्टर रिजवान पटेल, मौरी दरगाह के सदर इस्माइल खान, करबला कमेटी के सदर फारूक राइन खान, बहादुर कमेटी के सदर साबिर हर्ष, अंजुमन के सदर शाहिद अली और सचिव साजिद रॉयल के साथ इमरान लाला, शोले पठान, डॉक्टर मुस्तफा मंजूर मंसूरी, सादिक मंसूरी, राशिद खान, इमरान खान, इसरार खान, नदीम खान, अरबाज खान, अकील खान, पूरी टीम भीगते पानी में गरीब लोगों को राहत पहुंचाने में लगे रहे।